हेलो फ्रेंड्स, सुविधा चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक की। अनुस्वार की अगर हम बात करें तो इसका जो चिन्ह होता है वो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, और अगर हम बात करते हैं अनुनासिक की, मोटे तौर पर आप देख लीजिए, इसे बनाया जाता है शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई कि अनुस्वार, जब हम किसी शिरोरेखा के ऊपर सिर्फ एक बिंदु लगाते हैं उसे अनुस्वार कहा गया है, और अगर हम चंद्र बिंदु बनाते हैं तो उसे अनुनासिक कहा गया है। हम आगे बात करेंगे इस तरह का शब्द का भी, इस तरह का चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है जिसे आगत कहा जाता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे पहले इसका चिन्ह पता होना चाहिए, अनुस्वार के लिए बिंदु और अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसकी ध्वनि हमेशा नाक से ज्यादा निकलती है। नाक से निकलने वाली ध्वनि को कहा जाता है अनुस्वार, और हिंदी भाषा में बिंदु के द्वारा अनुस्वार का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। अब किन किन स्थानों पर इसका प्रयोग होता है? तो पहला है पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का उपयोग किया जा सकता है। अब पंचम वर्ण क्या होते हैं? पंचम वर्ण, हमने जब इससे पिछली क्लास में व्यंजन के बारे में पढ़ा था तब हमने ये पांच वर्ग पढ़े थे। पहला था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों का जो अंतिम वाला जो वर्ण है, ये सबके आपको ये पांचों के अंतिम वर्ण दिख रहे हैं, जो पांचवे वर्ण है, ये पांचों वर्णों को कहा गया है पंचम वर्ण। ठीक है, तो इन पंचम वर्णों की जगह पर हम अनुस्वार का या इस बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। अब ये पंचम वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? ये अंग हो सकता है, य हो सकता है, ण हो सकता है, न हो सकता है और म हो सकता है। यानी इनका अगर उपयोग, अगर इनका स्थान कहीं पर है तो उसकी जगह पर उसको हटाकर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं इनके स्थान पर। तो ये पांचों क्या कहलाते हैं? ये पांचों कहलाते हैं पंचमाक्षर। पंचम वर्ण के हमने व्यंजन में जब पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो पांचवे जो अक्षर होते हैं उन्हें कहा गया है पंचमाक्षर। और ये जो पंचमाक्षर का समूह है उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसा कि पहला हम देते हैं गंगा। तो यहाँ पर हमने ये पंचम जो है उसका यूज किया है गंगा में, जिसको अंग बोला जाता है। तो यहाँ पे अंग की जगह हम क्या लगा सकते हैं? डॉट लगा सकते हैं, बिंदु लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है जैसे चंचल। तो चंचल में हम देख सकते हैं यह है, तो यहाँ पे चंचल की जगह हमने क्या लगा दिया? बिंदी लगा दी। इसी प्रकार से झंडा, तो ण की आधा ण है यहाँ पर, तो यहाँ पे ण की जगह हमने क्या लगा दी? बिंदी लगा दी और झंडे का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो चौथा ग्रुप का एक एग्जाम्पल हमने लिया है गंदा, तो वहां पे आधे ण की जगह हमने क्या उपयोग कर लिया? बिंदी का उपयोग कर लिया। और कंपन्न, कंपन्न यानी ये म वाला जो लास्ट वाला है, यहाँ पर इसका अगर प्रयोग हो रहा है, पंचमाक्षर आया है, तो हम उसकी जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका पहला नियम हो सकता है, पहला रूल हो सकता है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जा सकता है। अब पंचम वर्ण में बदलने का भी नियम है, वो नियम हम देखें तो अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग के बाद में आने वाला वर्ण उसी वर्ग का होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई वो पंचमाक्षर जो है वो, अगर हमने यहाँ पे बात करी कि गंगा, तो ये अंग के बाद आने वाला जो भी वर्ण होगा वो उसी ग्रुप का होना चाहिए। जैसे कि अगर ये अंग की बात हुई तो इसी के कुछ चार अक्षर उसमें होने चाहिए, तो यहाँ पर ग है, वो ग उसी ग्रुप का है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अगले वाले में, तो जैसे कि चंचल है तो अगला क्या है इसमें? च ही है, जो कि इस सेकंड ग्रुप का है। अगर तीसरे वाले में बात करते हैं झंडे में, तो उसके बाद वाला ड नेक्स्ट इसी ग्रुप का है। गंदा, तो न वाले में द का प्रयोग हो रहा है, यानी वो उसी ग्रुप का है। तो अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग के बाद में आने वाला जो वर्ण है, उसके बाद का जो वर्ण होता है वो क वर्ग का या च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प
वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होगा, अन्यथा वो प्रयुक्त नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम इन पंचमाक्षर के जो जस्ट बाद वाला जो भी वर्ण होगा वो उसी ग्रुप से संबंधित होना चाहिए, उस कंडीशन में अनुस्वार का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य नियम भी हैं जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला नियम है, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है तो उस समय वो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अगर हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण है उस कंडीशन में अनुस्वार का प्रयोग होगा, लेकिन उसके अलावा कोई और वर्ण से संबंधित वर्ण आ जाता है अगले वर्ण में, तो उस कंडीशन में अनुस्वार के रूप में वो परिवर्तित नहीं होगा। उदाहरण दिया हुआ है जैसे अन्य, चिन्मय, वाड्मय, उन्मुख, यहाँ पर दूसरा ग्रुप आ जाने की वजह से उसे इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में दोबारा आ जाए तो उस समय भी अनुस्वार में वो परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं आधा न हमने यहाँ लिया है तो उसी वर्ग का वही वर्ण उस कंडीशन में वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो वापस आता है तो उसे अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। हम प्रसन्न को प्रसन्न ऐसे नहीं लिख सकते, अन्न के ऊपर यहाँ पे बिंदी लगा के नहीं लिख सकते, सम्मेलन यही शब्द दो बार आ गया है, यही सॉरी वर्ण दो बार आ गया है, एक ही वर्ण दो बार आ जाता है, उस परिस्थिति में भी अनुस्वार का प्रयोग वैसे का वैसा बिंदु के रूप में नहीं किया जा सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कि जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आता है तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहेगा, और यदि य, र, ल, व और श, स, स, ह से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन किसी भी वर्ग में शामिल नहीं होते हैं। क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग में ये शामिल नहीं होते हैं, इसलिए उस कंडीशन में बिंदु का रूप प्रयोग किया जा सकता है, जैसे संशय और संयम, और कई बार अनुनासिक के रूप में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये अभी हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि जब हम अनुनासिक पढ़ेंगे कि किस प्रकार अनुनासिक का प्रयोग जो है उसके रूप में भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है मैं, मैं में यहाँ पर ये जो बिंदु लगता है वो बिंदु अनुनासिक का बिंदु होता है, यहाँ पे हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं। तो वो नियम हम अभी अगली स्लाइड में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार अनुनासिक के रूप में भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं अनुस्वार शब्दों से संबंधित, जैसे सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद, ठंडी, कुंज, हिमपिंड, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, चिंतित, कौंधा, शंकु, लंबी, आनंद। तो ये सब कुछ अनुस्वार शब्द हमने लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनुनासिक की। अनुनासिक स्वर जिसे हमने अभी बात करी किसके द्वारा इसे दर्शाया जाता है, इसे दर्शाया जाता है चंद्र बिंदु के माध्यम से। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है और यह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि आँख, माँ, गाँव आदि। अब अनुनासिक के स्थान पर कब बिंदु का प्रयोग होगा, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बात करी थी, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की कोई मात्रा लगी हो उस कंडीशन में सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर सिर्फ बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मैं में ये मात्रा लगी हुई है स्वर की, तो यहाँ पर हम सुविधा के हिसाब से चंद्र बिंदु ना लगा कर सिर्फ बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बिंदु में भी और गोंद में भी अनुनासिक के स्थान पर हम चंद्र बिंदु का न लगाकर हम बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। अब अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है? अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इसके प्रयोग में अगर थोड़ा भी हमने गड़बड़ किया तो हो सकता है कि वो शब्द ही परिवर्तित हो जाए, जैसे कि हंस, अगर हम हंस कर रहे हैं, सिर्फ एक बिंदु लगाया है, सिर्फ एक चंद्र बिंदु और बिंदु की परिवर्तन है इसमें, अगर हंस की बात करते हैं तो एक जलीय पक्षी होगा और हंस
हंस की अगर बात करते तो एक हंसने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये एक मुख्य हम अंतर कह सकते हैं अनुनासिक और अनुस्वार के अंतर्गत। अनुनासिक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भाती, कांच, बांट, अंधेरे, माँ, फूंकना, आंखें, ये सब क्या हैं, जिनमें चंद्र बिंदु लगता है, वो सारे अनुनासिक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग यह ऐसा चिन्ह है जो ह की भांति जिसका प्रयोग किया जाता है। और विसर्ग का मुख्य रूप से उपयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे प्रातः, स्वतः आदि। इसी के साथ साथ कुछ ध्वनि जिसे आगत ध्वनि कहा जाता है, जो सिर्फ अर्ध चंद्र के द्वारा दर्शाया जाता है, और इसे मुख्य रूप से अंग्रेजी के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉपी आदि। तो ये सारी ध्वनियाँ होती हैं आगत ध्वनियाँ। तो आशा करती हूँ आपको ये क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।